हो सकता है सुयश अंदर हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? सब्जी लेंगे साहब। नहीं नहीं सब्जी नीचे जाओ। रुके, ये देखिए हरी हरी पालक बिल्कुल धूप के जैसी, लेंगे 10 में पूरा। अरे कहा ना नहीं चाहिए, चाहिए आप यहाँ से। अरे ले लीजिए ना, आपका दाम का टेंशन मत लीजिए, उससे भी कम लगा देंगे। आप लेके तो देखिए बहुत अच्छी बनेगी सब्जी। मुझे सब्जी भाजी का कोई समझ नहीं है, जाइए यहाँ सब। तो घर की किसी औरत को बुला लीजिए ना, उसको तो समझ होगी। कोई औरत नहीं है घर में, बीबी भाभी अम्मी सब शादी में गई है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम वहाँ से सब्जी बेच के आते, तब तक तो आ ही जाएंगी ना। तो वो उन तीनों को 1 घंटा लगेगा आने में, तब आइएगा, जाइए अब। तो फोन कर लीजिए ना उन्हें, वो अब बताइएगा कि कितनी हरी हरी सब्जियां हमारे पास। अरे वहाँ सिग्नल नहीं है, फोन नहीं कर पाऊंगा, अब जाइए। हाँ हाँ हेलो, हाँ वो अंदर लाइन गड़बड़ थी ना, तो इसलिए बाहर आया। हाँ क्या खबर है? 4 घंटे रुकना पड़ेगा। हमारा क्या है, आपका शिकार है, आपसे बोलेंगे ठोक देंगे। और जीजू माँ को बस्ती में गए काफी टाइम हो गया, किसी को जाके देखना चाहिए ना। मैं जाके देखूं? नहीं आप मत जाइए, आप लोगों को लोग पहचानते हैं, देखते ही समझ जाएंगे कि आप लोग मिस्टर रावत को ढूंढने आए। एक काम करते हैं, कुछ देर और इंतजार करते हैं, अगर फाल्गुनी जी नहीं आती हैं तो हमारी टीम के लोग जाएं। सुयश मिल गए, मुझे बताए वो किस घर में। जब वो घर से निकले थे ना तो ये उनके कोट में लगा हुआ था। लेकिन ये कहाँ मिला आप? वो तीसरी गली के चौथे मकान। मुझे पूरा यकीन है इंस्पेक्टर साहब, सुयश वही है, आप प्लीज उन्हें जाके बचा लीजिए जल्दी से। आपने देखा उसे? नहीं, पर ये ब्रोच उन्हीं का है और उस घर के सामने ही मिला मुझे। और वो आदमी वो फोन पे बात कर रहा था, वो कह रहा था कि 4 घंटे इंतजार करेंगे, उसके पास काम तमाम करते हैं। कि ये काफी नहीं, ये जल्दी किसी और का भी हो सकता है। पर ये सुयश का, ये मैं कह रही हूँ आपसे इंस्पेक्टर साहब। चलिए मान लेते हैं कि ये मिस्टर रावत का ही है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मिस्टर रावत को उसी घर में रखा गया। हो सकता है कि मिस्टर रावत को उस घर के सामने से ले गया, और अगर हम ऐसे में धावा बोल देते हैं तो मुजरिम सतर्क हो जाए, तो हम क्या करें? पर आपको कुछ तो करना होगा ना, उनकी जान खतरे में है, समझिए तो। इंस्पेक्टर साहब अगर भाभी माँ कह रही हैं कि भैया उस घर में है, तो कोई कारण होगा ना, आप बिना किसी को सतर्क किए भी तो बस्ती की तलाशी ले सकते हैं। देखिए तलाशी लेने के लिए हमें सर्च वारंट चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं सर्च वारंट बनवाता हूँ और साथ में स्पेशल टीम को भी लेकर आता हूँ। एक काम कीजिए, ये GPS कार्ड है, इसे अपने पास रखिए, मुझे लोकेट करने के लिए आसानी होगी, ठीक है? और आप लोग ध्यान रखिए। कितना वक्त लगेगा? जितना जल्दी हो सके मैं लेके आता हूँ। ठीक है, मैं तब तक उस मकान पर नजर रखती हूँ और सुयश को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है चलो। 4 घंटे रुकना पड़ेगा। हमारा क्या है, आपका शिकार है, आपसे बोलेंगे ठोक देंगे। और ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, कुछ तो करना पड़ेगा, उनकी जान खतरे में। भाभी माँ ये क्या कह रही हैं, इसमें खतरा है। पर हम हाथ में हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना विधान, कुछ तो करना होगा ना। चीज माम दोनों आपके साथ रहेंगे, तो चलो। यही वो घर है जहां मुझे शक है कि सुयश को रखा गया है। पर इस घर में जाएंगे कैसे चीजी माम? इस घर की 3 औरतें शादी में गई हैं, वापस आने वाली होंगी, अगर हम उनके भेस में इस घर में घुस जाएं तो ये लोग भी सुयश को अगवा करने के लिए पुलिस के भेस में आए थे, तो हम भी इनकी नकली औरतें बनकर इनके घर में घुसेंगे। तो मैं और विधान। चीजी माँ तो हम तीनों को इंतजार करना होगा ना उनका। विधान तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ और मैं भी सब्जी के ठेले पे खड़ी होती हूँ, और तू फाइल लेके आ। माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ रहती हैं?
आप काय को पूछती है? जी वो मैं जनगिनती विभाग से हूँ, कुछ सवाल पूछने थे आपसे। हाँ तो पूछिए। अब आप लोग घर में कितने लोग रहते हैं? हम तीन ही रहते हैं और हमारे शौहर। अच्छा, कोई बच्चा? अभी तक तो नहीं, पर पीर बाबा की मेहर से हो जाते हैं। वैसे हम सब लोग जो पीर बाबा उपाय बताते हैं, हम सब लोग वहीच करते हैं। जी मैं दुआ करूंगी कि आपकी हर मुराद पूरी हो। वो यहाँ धूप लग रही है, थोड़ा छांव में जाके बात कर ले। क्या बात करते हो, धूप लगती है? जी वहाँ थोड़ा यहाँ पे आके बात कर लेते ना। आइए। जी माँ, अब आगे क्या करेंगे? इनके बुरखे पहन लेते हैं और हमारे हाथ भी दिखेंगे तो इनके कंगन भी उतार के पहनने पड़ेंगे। ज्यादा शक होने से पहले हमें सुरेश को ढूंढना होगा। बिट्टू जी माँ, घर जाके तो बुरखा उतारना होगा ना, अगर घर के आदमियों ने पूछ लिया तो। वैसे हम सब लोग जो पीर बाबा उपाय बताते हैं, हम सब लोग वही करते हैं। ये औरत कह रही थी कि ये पीर बाबा को मान रहे हैं सबके सब, तो हम कहेंगे कि पीर बाबा ने कहा है कि बुरखे पहन के रखें। चीजमा आवाज, कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा ना बोले, लेकिन अगर बोलना भी पड़ा तो हम हैदराबादी लहजे में बात करेंगे, ठीक है? भाभी माँ, एक टेंशन है। क्या? मैं आप दोनों के साथ वो तीसरी औरत बन के आने वाला था बुरके में, लेकिन तीसरी औरत की हाइट बहुत कम है और वजन भी भारी है, मैं कैसे करूंगा? हमारे तो आस पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं है। चीजमा पुलिस से मदद लेने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जो भी करना है अभी जल्दी करना होगा। एक इंसान है जो हमारे साथ तीसरी औरत बन के जा सकता है। कौन? अभी मैंने बांध दिया है, अब हम आपका चेहरा छुपाएंगे। अरे भागो! संभाल के चीची माँ। रुक लिटा। चीची माँ, ये शोर न मचाए इसलिए इन्हें दवाई तो दे दी है, पर दवाई की वजह से ये बार बार बेहोश हो रही है। उसके लिए क्या करेंगे, कैसे लेके जाएंगे इन्हें? चीची माँ, ले जाना तो पड़ेगा ना बिट्टू, ये खड़ी भी नहीं हो पा रही है। चीची माँ, चलेंगे कैसे? उसका भी रास्ता है ये। चीची माँ, ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, वक्त नहीं है हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। चल जल्दी पहना इन्हें। मुझे जाना, तू लड्डू गोपाल का नाम ले और इन्हें लेकर चल। चल मैं मदद करूं? नहीं विधान, तुम यही रहो और उन औरतों पर नजर रखो, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। भाभी माँ, मैं आप लोगों को उस खतरनाक जगह पे अकेले नहीं जाने दे सकता। समझने की कोशिश करो विधान, अगर उन औरतों में से किसी को भी होश आ गया और उन्होंने अपने घर में खबर कर दी तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तुम यही रहो और उनमें से किसी को भी होश आता है तो उन्हें समझाने की कोशिश करना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और इन्हें बताना कि जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम उन्हें हिफाजत से और इज्जत के साथ घर छोड़ाएंगे। पर भाभी माँ, आप तीनों अकेले कैसे वहाँ पे? हम अकेले कहाँ है विधान, हम तीन नहीं हम चार हैं। लड्डू गोपाल है ना हमारे साथ, वो रक्षा करेंगे हमारी।